कर दिया है जाइंट ड्रैगन ऑक्टोपस ने, और ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। और आज हम लोग एक एक करके इन सारे ऑक्टोपस से लड़ने जा रहे हैं, और लास्ट में जो फाइट सीन है वो देख के आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपने शहर के न्यूली ओपन्ड म्यूजियम में। जी हाँ, हमारे शहर में बिल्कुल एक नया म्यूजियम खुला है, और ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर बहुत सारे जानवर रखे हैं। इसके अंदर जो प्राचीन काल के डायनासोर्स और ऑक्टोपस वगैरह होते हैं ना, वो सारे रखे हुए हैं, और ये सारे मरे हुए हैं क्योंकि भाई ये बहुत मिलियन साल पुराने हैं। और हम लोग जा रहे हैं इसलिए अपनी फॉर्च्यूनर से, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो कि मेरा घर ले जाने का मन हो, लेकिन वो बात अलग है। म्यूजियम वाले मुझे कुछ भी वहाँ से घर ले जाने नहीं देंगे, लेकिन भाई अगर मेरा मन करता है ना तो फिर मैं कोई चीज छोड़ता नहीं। तो ये लोग आ गए हम लोग म्यूजियम के बाहर। पहले हम लोग चलते हैं राइट वाले कमरे में जिसमें बड़ा सा डायनासोर रखा हुआ है। ये देखो भाई, क्या डायनासोर है ये? नहीं, क्या डायनासोर है ये? डायनासोर है कि मछली है? मछली वाला डायनासोर है क्या ये? क्योंकि इसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये साइड में इसके दो गिल्स है कि पंख है, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मछली है कि चिड़िया है, कुछ आइडिया नहीं। और यहाँ पर एक फॉसिल पड़ा हुआ है, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा सा। ये तो मुझे मिनी डायनासोर टीरेक्स का लग रहा है। और ये यहाँ पे कुछ स्कल्स वगैरह रखे हैं बहुत अलग अलग जानवरों के, जिसमें हिरन भी है शायद से। और ये रहे वो प्राचीन रेयर ऑक्टोपस। वैसे इधर एक गार्ड भी खड़ा है तो ज्यादा मस्ती नहीं करनी इधर, ठीक है? तो यहाँ पर पहला ऑक्टोपस जो है ये अलग था, लेकिन दूसरा जो है ये बिल्कुल ही अलग है भाई पहले वाले से। और तीसरा वाला तो और अलग है यार, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े टांगे वाले लग रहा है। और ये देखो पर्पल पर्पल ऑक्टोपस भाई, भाई बहुत ज्यादा यूनिक। और ये वाला तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, इसके ऊपर से क्या बिजली निकल रही है क्या? सारे मैंने देख लिए हैं, लेकिन ये वाला तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लगा मुझे। है ये गलत है क्या? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे ये तो मरा है, क्योंकि यार ये सारे मरे ऑक्टोपस यार मिलियन ईयर्स पुराने। भाई गार्ड, अरे गार्ड इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये ऑक्टोपस जो इधर है ये जिंदा तो नहीं है ना बाय चांस? हाँ वही तो, जिंदा कैसे हो सकते हैं? लेकिन यार पता है मुझे वह मुआसा की हिला। वैसे एक ऑफर अगर मैं तुम्हें दूं, मुझे ये ऑक्टोपस बेचोगे क्या बहुत सारे पैसे में? सोच लो सोच लो, आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। सोचते रहे तू, ये ले सोच तू सोच, और मैं ले जाता हूँ ये ऑक्टोपस को। ले सोचते रहे, इसको कर दिया मैंने बेहोश, अब ये सोचेगा सोते हुए। और मैं ये ऑक्टोपस ले जाता हूँ अपने घर। चलो इससे पहले उसे होश आए, ये ऑक्टोपस अपने घर ले आता हूँ, क्योंकि मुझे तो लगा था ये हिला था। मुझे यार इस पर रिसर्च करनी है। तो इस ऑक्टोपस को डालिया है मैंने अपनी फॉर्च्यूनर में, और मैं इसको अपने घर ले आ रहा हूँ। वैसे वो गार्ड को मैंने बेहोश कर दिया, क्योंकि वो पैसे के बारे में सोचता पर मुझे देता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यार अब भी उसको देखो पता नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ कौन हूँ। इससे पहले वो लोग आगे मेरा पीछा करे, मैं जल्दी से अपने घर पहुँच जाऊंगा और इस ऑक्टोपस में मेरी रिसर्च चालू कर दूंगा। मुझे क्योंकि लगा था कन्फर्म ये हिला था भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे इतना बड़ा वहम हो। ओके तो बस घर पहुंच गया हूं मैं, और अब बस इस ऑक्टोपस को घर पे रख के मुझे कुछ दिन देखना है कि सही में जिंदा है। अगर जिंदा हुआ तो मिरेकल होगा भाई, मिलियन इयर्स पुराना ऑक्टोपस जिंदा वो भी, ठीक है? तो इसको मैंने आदर दिया है। अब हिल हिल के दिखा, ये तो अब नहीं हिल रहा यार। उस टाइम पे पता नहीं यार ये कैसे हिला था यार, पॉसिबल कैसे ये? ठीक है, ये कभी तो हिला मेरे घर पे रखा है ना, दिख जाएगा तो मुझे जब भी मिला तो इसका पोज मैंने याद कर लिया कौन से पोज में है ये। ठीक है, अभी तो रात होने वाली है काफी, उसको कल देखते हैं। मैं अभी के लिए सोता हूँ। अरे क्या टूटने की आवाज आई इतनी रात में? ओ नहीं, कहीं मेरा ऑक्टोपस यार वो ट्यूब नीचे तो नहीं गिरी यार? कांच टूट गया होगा? नहीं नहीं, ओ ये तो सही में गिरा हुआ है। और ऑक्टोपस कहाँ है? ओ नहीं यार मेरा ऑक्टोपस, भाई कांच तो टूटा नहीं है लग रहा है, तो ऑक्टोपस कहाँ चला गया मेरा? ये थोड़ा लेके आया, कांच तोड़ के देखना पड़ेगा। ये मिल गया थोड़ा, कांच
देखता हूँ मैं, शायद अंदर ही कहीं कोई छुपा हो ऑक्टोपस। ये कहाँ यार? यार ऑक्टोपस गायब है। ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर रखा हुआ ऑक्टोपस कैसे गायब हो सकता है? मेरी तो समझ नहीं आ रही है। ओ नहीं यार, यार मैं जाके सो रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं सपने में हूँ। हटाओ, वैसे भी कौन सा मैंने इसके लिए पैसे दिए थे। छोड़ो, जाने दो। दूसरी चीज कि वो अपने आप गायब हो जाता है, और वो भी एक बंद पिंजरे के अंदर। और तीसरी चीज, मेरे घर के अंदर एक टेलीफोन आ जाता है जिसके अंदर ऑक्टोपस का हाथ जा रहा है, लेकिन ऑक्टोपस नहीं है। ओ नहीं, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है भाई? ऑक्टोपस सारे गायब है यहाँ से, और ऑक्टोपस की जगह यहाँ पर ऑक्टोपस के हाथ रखे। अरे यार, ये क्या है भाई? ये कौन सी कहानी में उलझ गया हूँ मैं? ऑक्टोपस के टेंटिकल है, बाकी सारे ऑक्टोपस गायब, और ये चीज मेरे साथ भी हुई है। मतलब ये सारे ऑक्टोपस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरा ऑक्टोपस भी गायब हुआ, लेकिन मैंने चेक नहीं किया कि उसमें टेंटिकल था कि नहीं। ओ हाँ, लेकिन वहाँ के भी सारे ऑक्टोपस गायब हो चुके हैं म्यूजियम के, और उनकी जगह एक टेंटिकल आ चुका है। और उधर गार्ड भी नहीं है भाई, गार्ड भी गायब। गार्ड तो मैंने भोज किया था, मारा नहीं था, तो गार्ड कैसे गायब हो सकता है? अब ये चीज का क्लियरेंस सिर्फ न्यूज ही बता सकती है। न्यूज में देखते हैं, वो देखो न्यूज में दिखा रहे हैं भाई, ये सारे ऑक्टोपस वही हैं जो कि मैंने म्यूजियम में देखे थे। ये सारे ऑक्टोपस शहर में खुले आ चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब समझ में आया मुझे, ये सारे ऑक्टोपस कुछ तो अलग ऑक्टोपस है यार, ये नॉर्मल ऑक्टोपस नहीं है। तो ये सारे ऑक्टोपस जो है ना, ये शहर में गायब हो चुके हैं, मतलब कि खुला आ चुके हैं, और इनको अब मुझे मारना पड़ेगा, वरना ये अगर शहर में बाहर निकल गए तो मेरे ऊपर इनाम आएगा, क्योंकि पहला ऑक्टोपस मैं ही लेके आया था बाहर। एक ही जरिया है, इन सबको गोली से उड़ा दो। ये गया पहला ऑक्टोपस, मर मर गया। ये मार दिया मैंने इसको बहुत ज्यादा। ये टोटल पांच है, लेकिन चार की लोकेशन हमें पता है। पहला वाला हमने मार दिया, दूसरा वाला तो मेरे ही पुराने घर के स्विमिंग पूल में। हो सकता है कि ये सारे मेरी ही खोज कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले पहुंचते हैं अपने पुराने घर, क्योंकि उसी के स्विमिंग पूल में तैर रहा है वो। आ चुका हूँ मैं अपने पुराने घर। वो रहा स्विमिंग पूल में, कहाँ है वो? आ चुका हूँ मैं अपने पुराने घर। वो रहा स्विमिंग पूल में, कहाँ है वो? दिख नहीं रहा यहाँ से। ओके, तू भी मार जल्दी से। ये दूसरा ऑक्टोपस है जिसकी टांगे बहुत ज्यादा ज्यादा लंबी थी, याद है मुझे। अब तीसरे की बारी। तीसरा हमारे जो रेलवे स्टेशन के बगल में तालाब है, वहाँ पर तैर रहा है, और वो बहुत ज्यादा ही छोटी हाइट वाला ऑक्टोपस था, मुझे याद है। वो रहा रेलवे स्टेशन और वो रहा तालाब। अब देखते हैं ऑक्टोपस किधर है। ये रहा, मर मर भाई, ये इतने खतरनाक है। देखो पॉइजन निकल रहा है इनको गोली मारने से, कितने ज्यादा खतरनाक है ये सारे ऑक्टोपस। और बस एक फाइनल ऑक्टोपस बचा है, जो कि शायद पीछे की किसी बीच पर है, रैंप्स के पास वाली। लेकिन मेन ऑक्टोपस अभी तक हमें नहीं मिला है, जो कि मैंने उठाया था, उसका आता पता नहीं है। रैंप एरिया के पास तो मैं आ चुका हूँ, मुझे जो लगता है वो शायद इसी बीच पे हुआ, जो कि रैंप्स के पीछे।
अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर मुझे बाकी हर बीच पे जाके चेक करना होगा। सबसे पहले से ये वाली बीच पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ की वीडियो थी शायद से वो ये और ये हिल भी रहा था, बाकी तो हिल भी नहीं रहे थे। मैंने न्यूज में साफ साफ देखा है, रहे थे हिल रहा है भाई, ये पक्के में जिंदा है यार। ये कैसे सबको मार दिया मैंने, सबको चारों के चारों ऑक्टोपस को मार दिया है। बट अब कहानी खत्म हुई है कि शुरू हुई है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेन ऑक्टोपस कहाँ है भाई, जो कि मेरे घर से भागा है। अभी तो फिलहाल कोई आइडिया नहीं है मुझे कि वो ऑक्टोपस कहाँ होगा, बट जब तक के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं आती तब तक के लिए ठीक है। देखते हैं अब फ्यूचर में शायद मालूम चले, अभी के लिए तो मुझे लग नहीं रहा उसका कोई भी है। एक सेकेंड भाई, ये क्या है, ये तो ऑक्टोपस के हाथ है यार। ये वो नहीं था यार, इसको भी मारना पड़ेगा मुझे, ये मुझे बहुत ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। मार 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 दिया। ओ नहीं, क्या था ये भाई, क्या था यार, बच गया है ये तो आंख इधर से आवाज और इतनी बड़ी आंख नहीं भाई, बस अब काम आ गया, अब गया तू, अब तेरा खेल है। अरे ये क्या, नहीं इतना बड़ा ऑक्टोपस ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो इतना बड़ा ऑक्टोपस है, मेरे पीछे पड़े हैं। भागो 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 भागो, नहीं 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 नहीं, ओ तेरी पत्थर। अरे और चाकू फेंक के मारा तेरी को, भाई बच गया यार। उसने मेरे ऊपर तलवार फेंक के मारी थी, मैं सही टाइम पे बच गया और उसी तलवार से मैंने उसको मार दिया। फेंको इसको पानी में भाई। ओहो क्या था ये भाई, ये नॉर्मल तो नहीं था बिल्कुल भी, ऑक्टोपस था कि ये क्रेकन यार। लेकिन अब बच गए हम लोग कैसे भी भाई, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मैं और लग भी गई है मुझे, आराम चाहिए मुझे अब।